नमस्कार चैनल दिख रहे हैं आप और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। आप तो तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर आप सभी को चैनल वन देख रहे हैं। दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हमने आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर रैली निकाली जा रही है। तस्वीरें आपके सामने आज पूरे देशवासियों को और जम्मू वासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो ये रैली निकाली जा रही है युवाओं द्वारा निकाली जा रही है, जम्मू का युवा राष्ट्रभक्त युवा है। आज गणतंत्रता दिवस के ऊपर पूरे जम्मू आने वाला कोई नहीं बचेगा। पूरे आप ये जानीपुर से रैली चली है, स्वारी तक ये रैली भारत माता की। जी सबसे पहले तो आप सभी को हमारे देश के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई है। आज हमने जानीपुर मेन स्टॉप से यूथ की, जो जम्मू का यूथ है, उसकी तरफ से एक रैली निकाली और तिरंगा फ्लैग होस्टिंग करा, ध्वज को वहां पर हमने लहराया। हमारा जो तिरंगा ध्वज है, और वहां से मेन स्टॉप से हमने रैली निकाली है महाराजा हरि सिंह जी के स्मारक तक। और हमारी रैली का, आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो आज का हमारा टाइटल रहा है, वो ये यूथ की तरफ से एक मैसेज पूरे जम्मू को, पूरी आवाम को ये हमने दिया है कि नशा मुक्त जम्मू, नशा मुक्त युवा के नाते आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। क्योंकि हमने देखा है कि बढ़ते समय के साथ जो नशा है, उड़ता पंजाब से उड़ता जम्मू कश्मीर हो रहा है। कई अखबारों ने भी डाला, कई न्यूज़ चैनलों ने भी दिखाया। तो आज जो जम्मू का युवा है, इसलिए आज हमने मुख्य अतिथि के रूप में हमारे स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से जो इंटरनेशनल वुशू प्लेयर हैं सूर्य भानु प्रताप सिंह जी, उनको हमने चीफ गेस्ट बुलाया। अजीत सिंह जम्वाल जी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर जो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। मिस वर्ल्ड जो गरिमा जो परिहार रह चुकी है, वो आज हमारे साथ है। तो हमने आज यूथ को ये दिखाने के लिए, इन आइकन्स को साथ लेकर आज हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि आप जिंदगी में चाहे कुछ कर लो, मगर मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि नशों से दूर रहें, नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त जम्मू हो, नशा मुक्त युवा हो, और एक सही दिशा में जाएं, स्पोर्ट्स करें, आगे बढ़ें, कामयाब बढ़ें। और आखिर में मैं बस इस तिरंगे के खातिर एक यही पंक्ति बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि नमन कर इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, नमन कर इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, ना झुके वैभव मेरी माँ भारती का, जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही एक चीज कहना चाहूंगा, जैसा कि तेज भैया ने कहा, आजकल यूथ जो है नशे की तरफ ज्यादा जा रहा है, और देश को और अपने देश के लिए कुछ अपने लिए करेंगे तो अपने देश को ऑटोमेटिकली उसका फायदा होगा ही। तो अपने देश के लिए आगे बढ़े और अपने लिए भी बढ़े, और उससे देश को भी ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट मिलेगा ही। तो देशभक्ति में जागे, इसमें ना कोई उम्र है ना कुछ, आप जो मर्जी हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप एक हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानी होने के नाते आप आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाएं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा यूथ है स्पोर्ट्स की तरफ आए, स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे तो इन नशों से दूर रहेंगे, और मे बी जो बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ आएगा वो इंडिया के लिए, इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेगा। जो अपने तिरंगे के लिए खेलेगा वो सबसे बड़ी मानव हमारे लिए मान होता है कि हम अपने तिरंगे के लिए खेलते हैं, हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाथों में तिरंगा लिए खड़े हैं आप। मैम मैं तो एक मैसेज देना चाहता हूँ। फर्स्टली मैं अपना नाम बताया था, मेरा नाम ही योगेश्वर सिंह है और मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, जो लीडर आजकल भारत जोड़ो यात्रा जो हमारी चला रहे हैं, उनको हम यही चीज बताना चाहते हैं कि झंडा हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, और हम आज से नहीं, जब से महाराजा ने हमारे महाराजा ने जब से अपना जम्मू कश्मीर, अपना राजपाट सब कुछ भारत के नाम के किया ना, हमारा दिल तब से भारत के नाम पे का हो गया, और हमें कोई जरूरत नहीं है किसी भारत यात्रा की। इन्होंने भारत जो जोड़ो यात्रा नहीं, इन्होंने भारत तोड़ो यात्रा बना रखी है। देशभक्ति गीत गाना चाहेंगे कोई? मैम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जहाँ पर यूथ की तरफ से रैली जो है वो निकाली गई है, वही पर गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ पर इन्होंने एक संदेश भी दिया है कि जिस तरीके से नशा जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और यूथ जो है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो इनकी तरफ से क्या कुछ संदेश दिया गया है नशे को लेकर आपने साफ तौर पर सुना। जाते जाते गणतंत्र दिवस की आप सब
को हार्दिक शुभकामनाएं।